ध्यान दें, कक्षा तीसरी के बच्चे विषय पर्यावरण पे आज हम लोग जो है क्या करेंगे, आवधिक आकलन, ट्रेकर सप्ताह आवधिक आकलन। यहाँ पे जो है आवधिक आकलन का ये प्रपत्र दिया गया है, इस प्रपत्र में कुछ जानकारियां हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया गया है क्रमांक, छात्र का नाम, अब देखिए लिखित क्रमांक था, आस पास के परिवेश को पहचान करना, पेड़ों की पत्तियां और छाल, ठीक है ना। हमारे परिवेश में, इधर सुनिए सभी बच्चे, हमारे परिवेश में जो आस पास के परिवेश में पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, आज उसको हम पहचान करेंगे। तो हम पूछेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे आसपास की जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उसको पहचानते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारे हाथ में कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जैसे बताइए ये किसकी पत्ती है, सभी लोग बोलेंगे किसकी पत्ती है, नीम की पत्ती है, किसकी पत्ती है, नीम की। इसके बाद ये किसकी पत्ती है, किसकी पत्ती है, हाँ गेंदा की। ये अभी चल के एक महीने बाद इसमें फूल लगेगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये किसकी पत्ती है, किसकी पत्ती है, चमेली की। तो देखिए हम आदर्श से पूछेंगे पहले, खड़े जाओ आदर्श, चलो बताओ किसकी पत्ती है ये, नीम की पत्ती। ये कहाँ पाई जाती है, हैं? ये बताओ, ये हमारे स्कूल के इस परिसर में है ना, नीम की पत्ती है ना, नीम का पौधा कहाँ है पहचानते हो, हाँ। देखिए हमारे आसपास का जो परिवेश है उस परिवेश में कई प्रकार की पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की पत्तियों को हमें पहचानना है, ठीक है ना। अब बताइए नीम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसकी पत्तियों को देखिए, इसकी पत्तियां जो है ये जैसे मान लीजिए जो मच्छर होते हैं ना, तो मच्छर को भगाने का काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को तोड़ करके और इकट्ठा जो है रख करके इसमें जब आग लगाते हैं, इससे जो धुआं निकलता है उससे मच्छर जो है भाग जाते हैं। ये आप करते हो क्या, कितने लोग करते हो अपने घर में, मच्छर भगाने काम करते हैं ना, हाँ। ये जो है नीम की पत्ती जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। ये जिसका उपयोग करेंगे तो ये नीम से जो है हमारे शरीर का जो रोग होता है निरोगी बनाता है, ठीक है ना। और भी इसके कई उपयोग हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये किसकी पत्ती है, हाँ गेंदा की। ये गेंदा की पत्ती कहाँ है, कहाँ लगा है, हाँ प्याजियों में लगा है, ठीक है ना, ठीक है। ये भी जो है इसकी भी पत्तियां बहुत गुणकारी होती हैं, है ना। इसका भी हम कुछ अभी उपाय बताएंगे, ये हमारे लिए जो बहुत अत्यंत उपयोगी है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये बताइए कौन सी पत्ती है, चमेली की। चमेली का फूल क्या है बोलिए, इसके फूल कैसे होते हैं, चमेली का फूल कैसा होता है, हाँ सफेद सफेद, अब बहुत खुशबू होता है ना, जब ये फूलता है ना तो पूरे परिसर के अंदर जो है इसकी सुगंध आती है, आती है ना। तो चलिए ठीक है, पास के जीव जंतु, पाए जाने वाले जीव जंतु, आप सभी के घर के आसपास कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप उन जीव जंतुओं को पहचानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं ना, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं बताइए, कौन बताएगा, संदीप बताओ, आपके आसपास कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, जल्दी बताइए, हाँ बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, और बकरी, और देखिए आपको आज घर जाना है, अपने घर के आसपास जितने भी जीव जंतु आपको दिखेंगे उनका एक लिस्ट बना लेना है, नाम लिख लेना है, जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे,
ठीक है ना, उनका आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। बनाएंगे ना सभी बच्चे, कल लिस्ट बना के लाएंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ तीसरा कारण दिया है, परिवार के सदस्यों को आपस के संबंध में समझ, मतलब जो आपके परिवार हैं उनकी संबंध में समझ। जैसे आपके पिताजी के, आपके पापा जी के बहन, आपका क्या संबंध है? हाँ बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं? बुआ। इसी प्रकार आपके मम्मी जी के बहन, आपका क्या संबंध है? मौसी। इसी प्रकार आपके भाभी का बच्चा, आपका क्या संबंध है? भतीजा। हाँ भतीजा, ठीक है ना। तो आप अपने घर के जितने भी रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको आपको जानना है कि हमारा इसका रिश्ता क्या है, इससे हमारा क्या रिश्ता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अपने विद्यालय के आसपास वस्तुओं और यातायात के साधनों के नाम। अब देखिए हमारे विद्यालय के जो रोड सड़क पर चलने वाले जो साधन हैं, कौन कौन से यातायात के साधन हैं, कौन कौन बताएगा, ये बताइए। यहाँ से जो है हजारों गाड़ियां निकलती हैं दिन भर में, आप कल एक लिस्ट बनाना है, अपने घर जाएंगे यातायात के साधनों के नाम, जैसे बस, ट्रक और क्या है जो जो सड़क पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रक है ना, और जो बहुत बड़ा गाड़ी होता है ना, स्कूटी है, मोटरसाइकिल, जो भी है, सब एक लिस्ट बनाना है कल। बिल्कुल सब बच्चे लिस्ट बनाकर आएंगे, आए तो में। अब इसके बाद यहाँ दिया गया है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, भोजन। अब कौन सा जीव जंतु क्या खाता है, उसका भोजन क्या है, जैसे सांप क्या खाता है बताइए। हाँ हाँ, क्या खाता है? अच्छा गूलर, हाँ मेढक। और बिल्ली क्या खाती है? चूहा। और बिल्ली दूध भी तो पीती है। कुत्ता क्या खाता है? रोटी। हाँ रोटी, चावल, दाल, जो भी है ना। इसी प्रकार गाय, बैल, भैंस ये क्या खाते हैं? हाँ। बकरी क्या खाती है? घास खाती है। बकरी सबसे ज्यादा क्या खाती है? हाँ बैल का पत्ता, बहुत सही, ठीक है ना। अब इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की भूमिका, जैसे आपके पिताजी की भूमिका क्या है, आपके पिताजी घर के मुखिया हैं, है ना। जब घर में कोई दिक्कत होती, परेशानी होती है, कुछ भी होती है, पिताजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको स्कूल कौन भेजता है? पिताजी। जब आप के पास जब कोई चीज कमी होती, जैसे कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आप किससे बात करते हैं पहले? पिताजी से, पापा जी से, है ना। हमारे पास कॉपी नहीं भाई, ठीक है ना। इस तरह जो है आप परिवार की भूमिका के बारे में बताएंगे। चित्र डिजाइन मानचित्र, अब सभी बच्चों को चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपने आसपास के जो पेड़ पौधे, हम तीन चित्र बनाना है, जंतु बनाना है, ठीक है ना। आया तो उनमें,